आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। आज का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये त्यौहार बच्चों को खासकर बहुत प्रिय है। तो आज हम भगवान कृष्ण के बचपन की एक कहानी पहले सुनेंगे। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो एक दिन जिद करने लगे, जैसे आप सब बच्चे करते हैं, मुझे वो चंद्रमा चाहिए, ओ, 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 चंद्रमा चाहिए। अब यशोदा माँ परेशान हो गई, कैसे ला के दे वो चंद्रमा, चंद्रमा तो इतनी दूर है, पर बच्चा है क्यों मान ही रहता। वही खिलौना चाहिए, मुझे वही खिलौना चाहिए। यशोदा माँ एक थाली में पानी ले आई और उन्होंने नीचे रख दिया। चंद्रमा की परछाई उस थाली में पड़ने लगी। कृष्ण को बताया, वो देखो तुम्हारा खिलौना। और कृष्ण बहुत खुश हुए। जाते जाते उन्होंने फटाफट क्या किया, उस थाली में हाथ डाल दिया। अरे, उनका खिलौना तो खत्म, पानी तो हिल गया और उनकी परछाई खत्म। अब रोने लगे, अब तो यशोदा माँ और परेशान हो गई। एक बार दिया तो खुश, और अब वो हट गया तो इतनी तेज रोने लगे कि वो चुप ही ना होए। और यशोदा माँ उसे पकड़ के झुलाए, बातें करे, खूब फुसलाए, पर ना माने। धीरे 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 खूब सारी बातें करनी पड़ी, तब जाके कृष्ण चुप हुए। इस तरह से आप भी बचपन में अपनी मम्मी को ऐसे ही सताया करते थे और आज ये कहानी सुनकर अवश्य ही मुस्कुरा रहे होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।